मुकेश खन्ना सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाने से कभी पीछे नहीं रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड के उन सितारों पर नाराजगी जाहिर की है जो पान मसाला का विज्ञापन कर रहे हैं। वे कई बार पान मसाला का विज्ञापन करने वाले सितारों पर गुस्सा जता चुके हैं। इस बार उन्होंने एक पोस्ट के जरिए भड़ास निकाली है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। वे बेधड़क होकर राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं। हाल ही में उन्होंने पान मसाला का विज्ञापन करने वाले सितारों पर अपना गुस्सा निकाला है। बॉलीवुड के कई सितारे पान मसाला का विज्ञापन करते हैं, इस वजह से कंगना रनौत समेत कई सितारों की खरी खोटी वे लोग सुन चुके हैं। वहीं शक्तिमान स्टार मुकेश खन्ना ने भी उन बड़े सेलेब्स पर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि अभिनेता ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। फोटो में एक साइड अजय देवगन पान मसाला के विज्ञापन में दिख रहे हैं और दूसरे साइड महेश मांजरेकर ऐड कर रहे हैं। इस पोस्ट के साथ मुकेश खन्ना ने कैप्शन में लिखा, क्या विज्ञापन की दुनिया चकाचौंध की दुनिया, पैसों की दुनिया बनकर रह गई है, पैसा फेंक तमाशा देख, यही इसका आधार बन गया है, पैसा दो और कुछ भी बुलवा लो। क्या मॉडल्स एक्टर्स का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही रह गया है, उनका जमीर समाज के प्रति, उनका दायित्व युवाओं के प्रति नगण्य हो गया है। किसी भी चीज किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोलना, चाहे वो हो भी कितनी बुरी क्यों ना हो, उनका धर्म बन गया है, क्योंकि उन्हें बस काम के लिए पैसा मिल रहा है। मुकेश खन्ना ने आगे लिखा, पैसा पैसा पैसा, कितना कमाओगे पैसा, इसके बावजूद ये आपके पास जरूरत से ज्यादा भी है। जी हाँ, मैं बड़े बड़े स्टार्स की बात कर रहा हूँ। ऐड बनाने वाले मदारी बन गए हैं और कलाकार उनकी डुगडुगी पर बंदर बनकर नाच रहे हैं। फिर चाहे ये केसरिया आदाब क्यों ना हो, जंगली रमी क्यों ना हो, गुटका शराब क्यों ना हो, बिना प्रोडक्ट की विश्वसनीयता को जांचे कुछ भी बोले चले जा रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इनके लिए उन्हें बड़ी बड़ी रकमें दी जा रही है और उनकी फीस के नाम पर। महाभारत एक्टर ने कहा, समाज, युवा वर्ग, सेहत, लोगों के दिमाग पर उसका कितना बुरा असर पड़ रहा है ये कोई नहीं सोचता, ना सरकार, ना पुलिस, ना सोशल मीडिया चलाने वाले अनेकों प्लेटफॉर्म वाले। कब रुकेगी ये गंदगी, इससे बड़ी बात कौन रोकेगा ये गंदगी। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनौत का भी गुस्सा इस पर फूटता हुआ नजर आया है। इमरजेंसी का प्रमोशन कर रही कंगना रनौत ने एक बार फिर उन बॉलीवुड स्टार्स पर निशाना साधा है जो तंबाकू को प्रमोट करते हैं। धाकड़ गर्ल ने इन बॉलीवुड सितारों पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBFC ने मंजूरी ना मिलने के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। कंगना रनौत अपने बयानों के चलते सुर्खियों में तो रहती ही हैं। वे बॉलीवुड सितारों पर तंज कसने में जरा भी हिचकिचाती नहीं है। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से उन सितारों को आड़े हाथों लिया है जो तंबाकू का प्रमोशन करते हैं। उन्होंने ऐसे सितारों पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और अजय देवगन पान मसाला का ऐड करने के लिए खूब ट्रोल होते हैं। पहले अक्षय कुमार भी इसका हिस्सा थे, लेकिन अब वह उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। कंगना भी इशारों इशारों में पान मसाला का ऐड करने वाले सितारों पर तंज कस रही हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा किया है। कंगना रनौत ने कहा, बॉलीवुड ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये एक्टर्स अपने नेटवर्क का शो ऑफ करते हैं, लेकिन फिर तंबाकू का विज्ञापन भी करते हैं। उनकी क्या मजबूरी थी जो वो स्क्रीन पर तंबाकू चबाने लगे? जब राष्ट्र विरोधी एजेंडे की बात आती है तो ये लोग साथ खड़े हो जाते हैं। वे पैसे के बदले में हमारे देश को धोखा देते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी या ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये या उससे ज़्यादा भी चार्ज करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि मुकेश खन्ना और कंगना रनौत द्वारा उठाई गई ये आवाज़ किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।